ब्राइडल वेयर नहीं है, सिर्फ ज्वेलरी को शो ऑफ करना है, तो ज्वेलरी के साथ ब्लैक अच्छा लग रहा था, हमने ब्लैक पहन लिया। इतना मत सोचो कि ये भगवान मैं गिर ना जाऊँ, वो आई थिंक सबसे बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि हम लोग हील्स में चल रहे हैं एंड रिहर्सल करने का टाइम नहीं मिला था, तो मुझे पता नहीं था कि कितना स्लिपरी होने वाला है नहीं होने वाला, लेकिन मैं नहीं गिरी, मैं बच गई। एक्चुअली मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में ज्वेलरी इतनी ज़्यादा नहीं पहनती, क्योंकि हमें शूट्स के लिए बहुत पहनना पड़ता है और इवेंट्स के लिए बहुत पहनना पड़ता है, तो इनफैक्ट मैं बहुत कैजुअली ड्रेस करती हूँ, तो अगर मुझे इम्प्रेस करना है तो आई थिंक ज्वेलरी मत ही देना, मुझे डिनर के लिए या पिक्चर के लिए ले जाना, मैं इम्प्रेस हो जाऊँगी। ऑफकोर्स आई वॉज एक्चुअली वेरी वेरी प्राउड, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और अब मैं क्योंकि एक्ट्रेस हूँ, तो हम लोग हमेशा एक चेक रखते हैं कि यू नो हमें कौन सी ज्वेलरी पहननी है और कौन से डिज़ाइनर्स के कपड़े पहने हैं, एंड हमेशा विजन का नाम बहुत हाई था, जब इन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं इनके शो के लिए चलूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ऑनेस्टली, एंड फिर हमने बात की कि हम लोग क्या पहनेंगे क्या लगेंगे, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी लुक को लेके भी, एंड आई थिंक शो अच्छा हुआ है, आप इनसे पूछिए वो ठीक लगा कि नहीं। इट वाज वंडरफुल।